ऑब्जेक्टिव शीट 44 में पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, मास एम को ब्रेक करना है दो हिस्से में ताकि फोर्स मैक्सिमम हो, तो 1/2 आंसर था। ये क्वेश्चन किया हुआ है, तीन पार्टिकल सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, वेलोसिटी और टाइम पीरियड निकालना शीट में किया हुआ क्वेश्चन है। ये भी किया हुआ है और फोर्थ तक भी किया हुआ है, फिफ्थ नहीं किया। आप प्लीज फिफ्थ देखें क्या होगा, फिफ्थ का क्या होगा ये बताना है आपको। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, आपको बताना है डिस्टेंस जहाँ वेट जीरो है। एक बात बताओ, सेंटर अर्थ के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ वेट जीरो होता है? शाबाश, सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी जीरो होता है तो वेट भी क्या हो जाता है? जीरो। स्पेशल केस लिखवा रखा है बुकलेट में, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी जीरो हो जाता है, वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक तो सेंटर से दूरी क्या है? जीरो। और दूसरा 1/4 दैट ऑफ द वेट जो सरफेस पे है। तो डेप्थ के साथ जी का फॉर्मूला ये रहा, डेप्थ के साथ ये फॉर्मूला है, एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेप्थ के ऊपर वेट आ गया, एक्चुअल वेट एम जी है। और आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में वेट 1/4 हो गया तो कितना डिस्टेंस आप नीचे गए, एच डिस्टेंस नीचे गए 3r/4। तो आंसर ही गलत मार्क कर रखा है मैंने, ये 3r/4 नहीं आएगा, उसने सारे डिस्टेंसेस कहां से पूछे, फ्रॉम सेंटर। और ये मैंने डिस्टेंस क्या निकाला, सरफेस से। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r-3 r/4, यानी कि r/4। तो सेंटर से दूरी क्या जाएगी, r/4। तो सेंटर से एक दूरी जीरो है और सेंटर से एक दूरी r/4 आंसर होगा। समझ में आ रहा है, हमने डिस्टेंस ऊपर से निकाल दिया जहां वेट 1/4 है, उसने डिस्टेंस सेंटर से पूछा। ठीक। सिक्स्थ, planet revolves in elliptical orbit around the sun, the linear speed of the planet will be maximum at, क्यों, क्योंकि distance कम है, velocity max है। Next, seventh, if g is the acceleration due to gravity on the earth surface, gain in the potential energy of the object of mass m raised from surface of the earth to a height equal to radius r, to r distance upar aa gaye, change in potential energy nikalni hai, surface ke upar energy minus m gmm by r aur r distance pe minus gmm by 2r, dono ko minus karenge, minus minus plus, simplify karke ye term aayegi, ye term mein capital gm ko kya put karenge, small g, r square mg r by 2 aayega, mgr/2। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgr/2। ठीक, व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी,
इंक्रीज, क्योंकि पोल्स पे मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे कम होती है। नेक्स्ट नाइन्थ नहीं हो पाएगा अभी, नाइन्थ छोड़ दो, टेंथ हमने शीट में कर लिया ऑलरेडी, नहीं करना। इलेवेंथ, इलेवेंथ हमने ये किया हुआ है, जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है ना, ध्यान आगे प्लीज, हमने ये रोटेशनल में किया है, शायद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में किया है। जब एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के आसपास, उसका एल क्या होता है, कांस्टेंट, आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, ऐसे किया था। तो आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू लगाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास ये आएगा आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू। अब एक ऐसा पॉइंट जहां पर डिस्टेंस सबसे कम होगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट इनर्शिया भी कम होगा। पॉइंट मास अर्थ का मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, m इनटू r मिनिमम का स्क्वायर, m r स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू उस केस में क्या होगी, मैक्स। जब r मिनिमम है तो ओमेगा मैक्स है, इज इक्वल टू m इनटू r मैक्स का स्क्वायर, और ओमेगा यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो यहां से सॉल्व कर लेना, ओमेगा मैक्स आपको क्वेश्चन में ओमेगा गिवन है, ओमेगा मिनिमम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, आंसर आएगा। मेरे ख्याल से ये तो नहीं आएगा, आंसर सी आएगा, सी आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, गलत है, सी होना चाहिए मेरे को लगता है। ठीक है, सी आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, लॉजिक समझ में आ रहा है। एम आर स्क्वायर ये भी लगा सकते हैं, एम वी आर इज कॉन्स्टेंट, एम इंटू वी वन इंटू आर वन इज एम इंटू वी टू इंटू आर टू, ये भी लग सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वी को आर ओमेगा पुट करना पड़ता है, एक ही बात है, किया हुआ है हमने रोटेशन में। वैसे इस क्वेश्चन का अभी नहीं हो पाएगा, ये भी छोड़ दो। थर्टींथ, थर्टींथ करो, देखो द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट जिसका मास एज वेल एज रेडियस इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। तो इसके अंदर क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर, मास ट्वाइस हो गया और रेडियस कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। सॉल्व करके इन दोनों को डिवाइड करके आंसर जी बाई टू हाफ आ गया। इफ अर्थ श्रिंक्स इन इट्स रेडियस बाई 4% तो मास रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, अगर आर कम हो गया तो जी विल इंक्रीज, तो आंसर इंक्रीज मार्क कर देना। मैंने ऐसे एक सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको तो डिक्रीज इंक्रीज ही बताना है। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, सेंटर ऑफ अर्थ आज किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो। 16th हमने किया हुआ है, 17th किया हुआ है, 17th भी क्या किया है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है ना कि आर डिस्टेंस से अगर आर डिस्टेंस ऊपर आ जाए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी आर बाई टू, सेम है, ये गलत आंसर है, इसको एम जी आर बाई टू कर लें, एम जी आर बाई टू करें, करेक्शन करें, इसमें रिपीट है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। बॉडी जिसका मास एम है इज मूव्ड अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ ताकि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर बाई टू हो जाए, तो बोलो हाइट क्या अटेन की बॉडी ने, आर, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट,
तो क्वेश्चन है, प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन एट अ पॉइंट पी क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन, डिस्टेंस डी वन है, स्पीड वी वन है, आपको क्या निकालना है, वी टू निकालना है। तो कराया था एम वी आर इज कॉन्स्टेंट, तो एम इंटू वी वन इंटू डी वन इज एम इंटू वी टू इंटू डी टू, यहां से वी टू कैन बी कैलकुलेटेड, वी टू आ गया। नेक्स्ट 20th, ट्रिकी क्वेश्चन है, 20th गलत हो सकता है पेपर में अगर आए तो। हाँ जी, देखो क्या क्वेश्चन है, टू प्लैनेट्स, ध्यान आगे, दो प्लैनेट्स हैं, रेडियाई आर वन आर टू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रेशियो निकालनी है। बहुत कॉमन मिस्टेक है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान से, उसने क्या कहा, मेड अप ऑफ सेम मटीरियल्स, यानी कि वो हिंट दे रहा है कि आप इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी यूज करें। तो जी इज जी एम वन बाई आर वन स्क्वायर, मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सेकेंड में मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो g1 by g2 क्या आएगा, r1 by r2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा है, डेंसिटीज के साथ यूज करना है, उसने बोल दिया मटेरियल तो मटेरियल डेंसिटी। देखो, द वेट ऑफ द बॉडी एट अर्थ सरफेस डब्ल्यू है एट डेप्थ हाफ वे, वेट क्या होगा, डेप्थ का क्वेश्चन किया ना हमने, डेप्थ का फॉर्मूला एक्स की जगह आर बाई टू, सॉल्व करके जी बाई टू, तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बाई टू, तो वेट कितना, डब्ल्यू बाई टू, वेट आधा हो जाएगा। ठीक है, तो डेप्थ की प्रॉब्लम क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन अभी किया, अर्थ श्रिंक हो जाती है 2% के साथ, तो रेडियस अगर 2% डिक्रीज है तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 क्या है, 2% है। हाउ मच विल चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, कराया था ना एरर वाला रूल, डेल्टा जी बाई जी 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2% क्या हो जाएगा, 4%, क्योंकि आर डिक्रीज हो रहा है तो जी इंक्रीज हो जाएगा बाय 4%। लास्ट टाइम भी किया था ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें डिस्टेंस मिसिंग है, करेक्शन है, मत करो, क्रॉस कर दो इसे। 23rd क्रॉस करो। 24th में, ये लास्ट टाइम टेस्ट में भी दिया था मैंने, कि इक्वेटर के ऊपर आपको ओमेगा बताने क्या होगा, अगर इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाए, इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके इक्वल है, लैम्डा जीरो है, आपने इक्वेटर के ऊपर वैल्यू जीरो कर दी, सॉल्व करके क्या निकालना है, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ये डाला था ना, हाँ